and we worked on the lyrics, we thought about it, and we were on the same line somewhere, I think. Harry ji, Ganesh ji, or Meham jab mile, we, the only picture, the only thing that, the only storyline that we could think of was about the soldiers of our country. So that's how it began. So we were all on the same line. So there was no disconnect anywhere. It was like, acha, humne, aapne ye socha, humne bhi yehi socha. It was like that. So the journey was effortless. Bahut badhiya tha, and we worked like a family. And I can't thank enough these legends. Career ki shuruaat with them itself is such a blessing. I feel so privileged to be here today. I can't thank you all enough, Ganesh ji, Harry ji. We are a family now. We have watched, matlab itna warmth, itna love, itna respect I have got. I mean, this is priceless. Thank you so much. Lekin sirf thank you se kaam nahi chalega janab. Now that we have seen and heard everything, why not ek chota sa do line ho jaye live? Yes? Hari ji, I guess that was our plan. Yes? Do line ho jaye. Har ek boond barish ki teri yaad dilaye. Har ek boond barish ki teri yaad dilaye. Bhige patton se lipta pani tan ko mere bhigoye. फिल्मी गाना होगा मेरे लिए, तो इसीलिए मुझे फ़ोन आया. बट व्हेन जब हमने गाना सुना और जब मास्टर जी ने बताया कि इट्स अ ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स, आई वाज मोर एक्साइटेड बिकॉज मेरी इमेज से टोटली एकदम उल्टा हो जाता है. तो मैंने बोला मास्टर जी को कि कमाल है, मास्टर जी की चॉइस मैं हूँ. बट आई एम हैप्पी दैट कि मास्टर जी ने इतना बढ़िया मुझे परफॉर्म करवाया. मतलब होपफुली आप लोगों को बढ़िया ही लगेगा. एंड इतना इमोशनल एक ट्रिब्यूट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है ऐसे ट्रिब्यूट देने का अपने आर्मी सोल्जर्स को. और हैरी भाई ने इतना बढ़िया म्यूज़िक दिया है और सौमित्रा ने जेन्युइनली इतना बढ़िया गाया है. तो एक टीम वर्क है कि सब ने मिल के मेहनत करके एक बहुत अच्छा एक ट्रिब्यूट जो है वो तैयार किया. मैं इसको एल्बम के साथ मेन ट्रिब्यूट करूँ. गणेश जी आपको बहुत बहुत बधाई हो. आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश के जवानों के लिए ये था, हाउ द एंटायर थीम, और ये किस तरह से आपने मतलब प्लान किया कि इसको, ये गाने को इस तरह से कोरियोग्राफ करना है, तू आया ना एक्चुअली, मतलब एक सीरियस. जब मेरे पास गाना आया, सुमित्रा और अमित तीन लोगों ने कहा कि गाना आपको ऐसा करना है, और हैरी ने म्यूज़िक दिया हुआ है. जब मैंने गाना सुना तब उस वक्त हालात इतनी बुरी थे, मतलब पुलवामा अटैक हो रहा था, फिर बाद में और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. तो वो सोचते हुए हम लोगों ने बोला क्यों नहीं गाना उनको ट्रिब्यूट दें, हम उनके लिए क्या आ जाए. और वो गाने में इतना सोच था, दर्द था. तो मैंने कृष्णा का इतना बड़ा फैन था, वो लोगों को हमेशा हंसाता है, तो मैंने चाहा कि इस टाइम थोड़ा रुला भी दें. तो कृष्णा को फ़ोन किया मैंने, कृष्णा ये ऐसे करना है. और फिर कृष्णा इमिजिएटली घर आया, सुना और पूरा हम लोग ने प्लान किया. और आप अगर देखोगे एक्चुअल में ये बारिश जो है वो रियल बारिश में हम लोगों ने शूट किया. रियल बारिश चल रही थी और बहुत ही प्यारा शूट किया है. और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसके ऊपर, कृष्णा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. कृष्णा को बहुत बार मैंने रोका हंसने से क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. और हैरी का म्यूज़िक और सुमित्रा की आवाज़ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था.
नरेंद्र जी, जैसे हम जानते हैं कि लाइक यू हैव अ वेरी गुड इमोशनल साइड, जैसे कि आपकी पहली फिल्म स्वामी यू नो जिस तरह से आप कोरियोग्राफी करते हो, पर यू हैव अ वेरी डिफरेंट साइड वे यू कैन अंडरस्टैंड इमोशन वेरी वेल. This is real Ganesh, you can see. Yeah. You can see Bollywood, जो डांस का तड़का वाला Ganesh. Something, Samitra ji, आप बताना चाहोगे कि क्या, how you know happy and blessed you feel Ganesh is there, Ganesh ji is there, Krishna Abhishek is there, Haryanand, इतने अच्छे legend लोगों का एक साथ मिला आपको, कुछ उसके experience के बारे में जानना. First, तो I met Hari ji. He was very happy to hear a few of my words and he said, let's do something. तो honestly इतना बड़ा नहीं सोचा था हमने, सोचा कि मैंने पर्सनली सोचा कि अच्छा चलो एक खुद का गाना आएगी एंड यू नो एंड थिंग्स लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स. एंड धीरे धीरे वो ना धीरे धीरे वी सैट ऑन द लिरिक्स एंड हमारे दिमाग में दोनों को ये था कि लेट्स यू नो कुछ बहुत ज़्यादा सोचा नहीं करने के लिए, बट लगा इतना अच्छा क्लासिकल गा रहे हैं तो एक गाना क्लासिकल होना चाहिए, बिकॉज शी इज़ अ सेमी क्लासिकली ट्रेंड सिंगर एंड दैट्स हाउ वी जस्ट आई रेंडर्ड लिटिल मेलोडी एंड शी जस्ट इमीडिएटली सेड आई लव दिस सॉन्ग. और तू आया ना सावन, वो सावन के दिन थे जैसा कि दादा ने कहा मास्टर जी ने कि इंस्पिरेशन आ गई और रेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सिंगिंग बहुत अच्छी है और उससे अच्छी बात है कि नीयत बहुत अच्छी थी और सबने मेहनत की तो ये आउटपुट जो है वो निकल के आया है. एंड स्पेशली फॉर दिस क्यूट लुकिंग गर्ल आल्सो स्टैंडिंग हियर, क्योंकि इस गाने में लिप सिंक नहीं था तो ये टफ भी था एक्सप्रेस करना. मास्टर जी को तो मतलब मैं तो बचपन से देख रहा हूं, साउथ में बहुत अच्छे बड़े स्टार हैं, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल लिया है. यस हां, इन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला. नो आई सर्वाइव ऑन म्यूजिक, सॉरी माय हिंदी इज अ बिट बैड, आई माय डैड लिटिल बिट ऑफ साउथ इंडियन एक्सेंट, फॉरगिव मी एंड फॉर मी फॉर बीइंग लेट. मुझे बॉम्बे का ट्रैफिक का इतना यू नो आईडिया नहीं था, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन माय अंकल कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट आई हैव टू वर्क विद गणेश मास्टर जी, I'm a huge, huge, huge fan of his. To be very honest, I shared a story. I've not told it to anybody. So, jaisa Abhimanyu ka story hai. When I was in my mom's room, my dad used to make me watch all Bollywood songs. My mom watch all the Bollywood songs. So that's how I started learning dancing. And for me, music, dance, and acting is my life. I mean, I cannot survive without cinema. I've not thought of any alternate profession than cinema. So for me, it was a great privilege to be in the team, especially to work with Master Ji. And Soumitra Didi has been like such kind support. I have to thank her. And I don't know, I should not be exaggerating it, but his sense of humor is incredible. So jab koi logo ko itna hasate hai aur unka dusra side dekhne ko milta hai na, I think it's something else. Only Charlie Chaplin could do that. If somebody can do it, pull it off like that, then I think it's incredible. And the music director himself, I have no words to tell about him. I feel extremely blessed, privileged, honored I am to work with these legends. I like to thank TCDs, jinhone itna bada platform diya, who has introduced me on a world level, I think. Yes. And a start of a career like this is unbelievable. Thanks to Bhushan ji and Krishan ji. Bhushan ji and Krishan ji. Yes. क्योंकि ये ऐसा ट्रिब्यूट जो लोगों तक पहुंचे. Yes. I think टी सीरीज से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था, तो थैंक्स टू देम. पिछले कुछ एल्बम में क्या किस तरह का यू नो थीम है, हमने तो देख लिया, लेकिन फॉर द ऑडियंस है आर्मी ऑफिसर जहाँ पर मेरी जो वाइफ है वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं और ये भी उन्हें अपनी वाइफ को याद कर रहा है और किस तरीके से वो सीक्वेंस मास्टर जी ने कोरियोग्राफ किया है कि वो दोस्तों के बीच है, वो अपनी बीवी को कैसे याद करते हैं और वो घर जाने की तैयारी में है और बीवी इंतज़ार कर रही है और कैसे ब्लास्ट होता है. यस. एंड देन इस पर ही है, अभी आप पूरा देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट्स जो मास्टर जी ने शूट किए हैं. आई थिंक इट्स रियली वंडरफुल. वो जो मोबाइल पे फोटो दिखता है और उसके बाद जब बैंड में ब्लास्ट होता है तो मोबाइल गिरा है, मोबाइल तक पहुँच नहीं पाते, वहीं इमोशनल फेस था. थैंक यू सो मच.
हैरी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, इनफैक्ट लाइक ये जैसे मार्सिल जी ने कहा कि बॉलीवुड में हिप हॉप बहुत से ऐसे सॉन्ग होते हैं जिसका आई थिंक सो दैट इज ईजियर डूइंग अ सीरियस। सर मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका था बिकॉज मैंने सारी जिंदगी अश्लील गाने गा सकते आप कांटा लगा कलियों का जमाना मतलब रीमिक्स का दौर किया, तो मेरे लिए मौका था कि मैं एक इंटेंस गाना ऐसा लिख सकूँ और बना सकूँ, तो मेरे को उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। तो इस गाने से मुझे एक मौका मिला जो कि आई कुड डू दिस, एंड इस गाने में सारी पेन जैसे कि भीगे पत्तों से लिपटा पानी तन को मेरे भिगोए, एक लड़की अगर इंतज़ार में है किसी की तो वो किस तरह से सोचेगी, तो मुझे वो रिमिक्सेस के इरा से निकल के एक ओरिजिनल कुछ अच्छा दिखाने का मौका मिला। अबाउट हिम के इसको स्क्रैच में भी सुना था हमने जब पहली बार मास्टर जी के साथ सुना, फिर उसको कैसे एनहांस करके इन्होंने जो मिक्स किया है गाना उसमें इन्होंने जो इमोशन जोड़ा है फ्लूट में और कई चीज़ों में जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है क्योंकि मैं एक म्यूजिकल फैमिली से हूँ बचपन से सुनता है, तो ही इज़ डन वंडरफुल। हैरी आता हैरी ने बहुत बढ़िया काम किया। वन मैसेज फॉर द यू नो ऑडियंस लाइक पेट्रियोटिज्म जो होता है यू नो कैन बी इन एनी फॉर्म, मतलब आप सरहद पे जाकर कर रहे हो उनको तो सैल्यूट है ही, बट इन स्मॉल स्मॉल वेज ऑल्सो यू कैन ट्राई टू बी यू नो ऐसे कुछ आप काम करो जहाँ पर आप यू कैन शो योर लव फॉर योर कंट्री, ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहोगे? बेसिकली गाने के थ्रू ही उन्होंने किया हुआ है, जो गाने में उन्होंने बेसिकली किया हुआ है जवान के इमोशंस, उनकी वाइफ उनकी बहन उनकी बेटी बच्चे वो सब की इमोशंस को इस एक छोटे से गाने में हम लोगों ने पिघलाया और यहाँ पे पेश किया हुआ, तो जितना हो सके हम लोगों ने कोशिश किया अभी आगे उन तक पहुँचा। बिल्कुल, दिस इज द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द सोल्जर्स फॉर आवर कंट्री, तो ये हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। यस, डू वॉच इट। Thank you. All the best. Thank you.